जयपुर में अफसरों की शाह पर हो रहा अवैध निर्माण। निगम से सील हुई 400 इमारतों को आखिर किसने खोला? राजधानी में अवैध निर्माण अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है, तभी तो पिछले 5 वर्षों में निगम ने करीब 400 से ज्यादा इमारतों को सील किया है, लेकिन बाद में उन सभी इमारतों को चुपचाप खोल दिया गया। आवासीय जमीनों पर व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में सबसे बुरा हाल है। बड़ी बात यह है कि जब निर्माण अवैध थे तो दिखावे की कार्रवाई क्यों की गई और कुछ दिनों बाद चुपचाप इन अवैध निर्माणों को खोल दिया जाता है, ये मिली भगत नहीं तो क्या है। गुरुवार को जिन अवैध इमारतों को निगम ने सील किया, इनमें से सभी की जानकारी निगम अधिकारियों को थी। किसी को 6 माह तो किसी को 1 वर्ष पहले नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी निर्माण होता रहा, एक के बाद एक मंजिल अधिकारियों की शाह पर बनती रही। अवैध निर्माण को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी। 18 सितंबर 2012 श्याम नगर के जनपद पर JDA ने 9 मंजिला अवैध इमारत का ई ब्लॉक ध्वस्त किया था। इसके बाद ऐसी कार्रवाई ना तो JDA ने की और ना ही नगर निगम ने।